अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी। एक क्वेश्चन मुझे हमेशा पूछा जाता है, मोस्ट कॉमनली आस्क क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, कि हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी बताओ। क्योंकि हम सबको पता है कि ब्रेकफास्ट हमारे दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मील है, जो हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट खा के हमारे दिन की शुरुआत करें। इस सिंपल सी रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, जो है कि हरे मूंग का डोसा। यहाँ पर मैंने स्प्राउटेड मूंग लिया है, जो कि लो इन कैलरी है एंड हाई इन फाइबर है। तो इससे ना आपका वेट गेन होगा और ना ही आपको डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये बहुत ही आसानी से बनने वाला, ये डोसा बनाने के लिए आपको किसी भी फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, इंस्टेंट तब का तभी बनने वाला डोसा है। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने लिया है 250 ग्राम स्प्राउटेड मूंग्स, आधा कटा हुआ प्याज, कुछ धनिया के पत्ते, एक इंच अदरक, एक हरी मिर्च और आधा चम्मच जीरा। अब इन सबको हम मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। पीसने के लिए करीब हम आधा ग्लास पानी डाल देंगे। आप देख सकते हैं स्मूथ सा बैटर बन के तैयार है। इसमें मिलाएंगे आधी छोटी चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच हल्दी और एक बड़ा चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे एक अच्छा सा क्रिस्पीनेस आता है, तो आपको जरूर ऐड करना चाहिए। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बैटर परफेक्ट है। इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। डोसा बनाने के लिए मैं कास्ट आयरन डोसा तवा यूज कर रही हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब एज यूजुअल जैसे हम नॉर्मल डोसा बनाते हैं, इसे स्प्रेड कर लेंगे। देख सकते कितना इजीली ये स्प्रेड हो रहा है। अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा घी, घी या ऑयल जो भी आप पसंद करें आप ऐड कर सकते हैं। आप इसे प्लेन भी सर्व कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा जीरा पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब हम इसे पलटा लेंगे, साइड से पहले सेपरेट कर लेंगे। और इस तरह से हमारा डोसा तैयार है। अब इस गर्मा गर्म डोसे को मैं सर्व करूंगी नारियल की चटनी के साथ में। आप कोई भी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।